नमस्ते इंडिया, यह बेबी प्लांट उसी एवोकाडो सीड का प्लांट है जो हम लोग काफी टाइम पहले जर्मिनेट कर चुके थे। आइए अब इस बेबी प्लांट को हम लोग जमीन में शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उस जगह पे किसी एक टूल की मदद से गड्ढा खोदना होगा। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, यह एक खुरपी है। हमारे यहाँ पे इसे खुरपी बोला जाता है, आपके यहाँ पे शायद से किसी और नाम से जाना जाता होगा। तो हम लोग एक गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा भी हमारा उस हाइट का होना चाहिए जिसके हिसाब से आपका एक रूट बाउंड है, आपके रूट बाउंड के हाइट से आपको गड्ढा खोदना है। उसके बाद ये जो मिट्टी निकाल के उसको साइड में रखना है, क्योंकि उसी मिट्टी को हम लोग आगे यूज करेंगे। प्लांट को पॉट से अलग करते टाइम हमको एक बहुत बड़ी सावधानियां बरतनी है कि हमें अलग करते टाइम यह देखना है कि जो रूट बाउंड है वो टूटे ना। अगर वो टूट गया या फूट गया तो हमारे रूट में एयर लग जाती है, जिससे एयर के लगने की वजह से हमारा प्लांट है वो डेड हो सकता है। तो हम लोग को ये ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग को साइड में रखी मिट्टी को हाथ से भुरभुरी करके उस गड्ढे में डालनी है, ताकि जिससे कि हमारे प्लांट को नीचे से एक प्रॉपर न्यूट्रिशन और एरिएशन मिल सके। फिर हम अपने प्लांट को उस गड्ढे में रखेंगे ताकि, और चेक करेंगे कि हिले डुले ना। उसके बाद हम लोग किनारे पे रखी मिट्टी को हाथ से भुरभुरी करके उसके किनारे किनारे चारों तरफ से उसको एक सहारा देंगे, ताकि जिससे कि वो गिर ना सके और प्रॉपर एक स्टैंड बाई मोड पे रहे। चारों तरफ से कवर करने के बाद अब हम इसमें पानी लगाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस प्लांट को पानी दे दिया है। होप फॉर द बेस्ट, ये ग्रो करे, अच्छे से लग जाए, क्योंकि इसको जर्मिनेट करने में बहुत मुश्किलें लगी थी, बहुत मेहनत लगी थी। अगर आपको ये शिफ्टिंग और जर्मिनेशन अच्छा लगा, आप शेयर करें। थैंक यू।